Good morning, students. Myself Kritika. I'm lecturer in EC department at Meherchand Polytechnic College, Jalandhar. Before starting my lecture, I would like to give you some of the instructions you need to follow to make yourself safe from this COVID-19. That is, wash your hands, maintain social distance, and wear mask. I hope you all are safe at your home place. Now we will move towards our lecture. Our today topic is interlay scanning. हमने लास्ट लेक्चर में स्कैनिंग पढ़ा था कि स्कैनिंग क्या होता है, और उसमें हमने बताया था कि दो तरह की स्कैनिंग है, एक इंटरले स्कैनिंग है, एक प्रोग्रेसिव स्कैनिंग. आज हम इंटरले स्कैनिंग को कवर करेंगे. अब अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो उसमें जब हमें फ्रेम को स्कैन करना पड़ता है तो इंडिया में जो फ्रेम रेपिटेशन रेट है दैट इज 25 फ्रेम पर सेकेंड, यानी 25 फ्रेम्स को एक सेकेंड के अंदर हम स्कैन करते हैं. तो रेपिटेशन रेट इज इनफ टू कॉज एन इल्यूजन. रेपिटेशन रेट का मतलब एक फ्रेम के बाद एक के बाद एक. तो 25 फ्रेम्स एक सेकेंड के अंदर जब जाते हैं तो वो कंटिन्यूटी हमें लगती है, यानी हमें लगता है कि वो वीडियो है. एक इल्यूजन क्रिएट हो जाता है आइज के आगे से, जिससे हमें लगता है कि वो इमेज जो है वो मूविंग इमेज है. बट द ब्राइटनेस ऑफ वन फ्रेम मिक्स स्मूथली इन टू द नेक्स्ट. अब जैसे ही एक फ्रेम से दूसरे फ्रेम की तरफ जाते हैं तो पहले फ्रेम की जो ब्राइटनेस लेवल है वो दूसरे फ्रेम की ब्राइटनेस लेवल के साथ मिक्स हो जाता है. थ्रू दिस टाइम व्हेन द स्क्रीन इज ब्लैंक बिटवीन द सक्सेसिव फ्रेम. वो कब मिक्सिंग हो जाती है? जब हमारा एक फ्रेम के बाद दूसरा फ्रेम आ रहा है, जिसको हम ब्लैंक स्क्रीन बोलते हैं या ब्लैंक फ्रेम बोलते हैं, जहाँ पे हमारी स्क्रीन ब्लैंक हो जाती है. अब अगर हमारा एक फ्रेम के बाद दूसरे फ्रेम जब आ रहा है तो हमारी स्क्रीन ब्लैंक हो रही है, तो हमें टीवी के ऊपर नजर आएगा कि यहाँ पे जाके हमें एक ब्लैंक स्क्रीन नजर आने लग गई है, जिससे कि हम उसको बोलते हैं कि हमें फ्लिकर ऑफ लाइट, इसको हम वर्ड बोलते हैं कि फ्लिकर ऑफ लाइट नजर आता है. मतलब एक टाइम पे एकदम से ऐसे स्क्रीन बंद होती है और फिर चलती है, फिर बंद होती है, फिर चलती है. वो क्या हो रहा है कि एक फ्रेम के बाद दूसरे फ्रेम में जो टाइम है उसके कारण हमें फ्लिकरिंग शो हो रही है. फ्लिकरिंग इज लाइक दिस ऑन ऑफ, दैट इज वेरी अनोइंग. व्हेन द स्क्रीन बिकम्स अल्टरनेटिवली ब्राइट एंड डार्क, इसका मतलब एकदम से स्क्रीन चल रही है और ऑफ हो रही है, डार्क हो रही है, फिर चल रही है, फिर ऑफ हो रही है. तो इस फ्लिकर को एलिमिनेट करने के लिए हमने क्या किया, इस फ्रेम्स को डबल कर दिया, यानी कि अब 25 फ्रेम्स पर सेकेंड की जगह 55 फ्रेम्स पर सेकेंड की हम बात करेंगे. तो 55 फ्रेम्स पर सेकेंड में अब हम स्कैन करेंगे ताकि ये जो फ्लिकरिंग टाइम है ये कम हो जाए. तो अब इन दिस स्कैनिंग में क्या हो रहा है हमारे पास, हम इंटरले स्कैनिंग की बात कर रहे थे, इसमें थोड़ा सा टेक्निकल इश्यू आ गया है. तो बेसिकली स्कैनिंग क्या है और इंटरले स्कैनिंग में वो किस तरह से काम कर रहा है, हम उसके बारे में पढ़ रहे हैं. तो हमने यहाँ पे क्या किया, जो हमारे 25 फ्रेम्स थे इनको हमने डबल कर दिया. तो इसमें क्या हुआ, हमारे जो टोटल नंबर ऑफ लाइंस थी वो दो ग्रुप्स में हम डिवाइड कर लेते हैं इंटरले स्कैनिंग में. इसमें प्रॉब्लम आ रही है. तो अब क्या हो रहा है कि हमारे जो टोटल नंबर ऑफ लाइंस हैं उसको हमने दो ग्रुप्स में डिवाइड कर देना है, ताकि हमारा जो फ्रेम है वो 50 टाइम्स जो है वो हमारा फ्रेम स्कैन हो जाए. तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट फील्ड को हम बोल देते हैं ऑड नंबर की लाइंस को स्कैन करेगा फर्स्ट फील्ड में, और इवन नंबर की लाइंस को स्कैन करेगा वो सेकेंड फील्ड में. जैसे ये देख रहे हो आप इसे देखो, ये फर्स्ट फील्ड में ऑड नंबर्स ऑफ लाइंस ले ली हमने और सेकंड फील्ड में हमने इवन नंबर ऑफ लाइंस ले ली. फर्स्ट फील्ड में ये यहाँ से स्टार्ट होगा और इस तरह से वो मूव करेगा. जब हमारी फर्स्ट फील्ड एंड हो जाएगी तो वो अगेन अबव जाएगा और सेकंड फील्ड को स्कैन करेगा.
यहाँ से क्या होएगा, पहले फर्स्ट फील्ड स्कैन होएगी जिसमें हमारी 313 लाइन, जैसे 625 लाइन्स है उसको हमने दो फ्रेम्स में डिवाइड कर दिया, तो 313 लाइन्स अप्रोक्सीमेट ईच लाइन में हमारे ईच फ्रेम में आ जाती हैं। तो हमने एक फ्रेम में जब उसको स्कैन किया तो उसने पहले सारी की सारी ऑड लाइन्स को स्कैन किया, फिर वो ऊपर आया सेकेंड फील्ड के लिए, उसने फिर सारी इवन लाइन्स को स्कैन किया। तो इस तरह से हमने एक फ्रेम को दो फील्ड्स में डिवाइड कर दिया, इवन में और ऑड में। तो इन दिस स्कैनिंग टोटल नंबर ऑफ लाइन्स जो है वो हमारी दो ग्रुप्स में डिवाइड हो गई हैं। फर्स्ट फील्ड को हमने ऑड बोला और सेकेंड फील्ड को हमने इवन लाइन्स के लिए यूज किया। हाफ वे अलॉन्ग द बॉटम ऑफ फर्स्ट लाइन, जैसी हमारी फर्स्ट फील्ड जो है वो खत्म होएगी तो वो वर्टिकल रिट्रेस लाइन जो है हमारी, देन स्कैनिंग उसकी शुरू हो जाएगी। सो द हाफ वे अलॉन्ग द बॉटम ऑफ द फर्स्ट फील्ड द वर्टिकल रिट्रेस रिटर्न द स्कैनिंग बीम एट द टॉप ऑफ द इमेज एंड कम्प्लीट द अनफिनिश्ड लाइन्स। तो क्या होगा, जैसी हमारी फर्स्ट फील्ड जो है वो कंप्लीट होएगी, हाफ वे तक वो पहुंचेगा, तो हमारी वर्टिकल रिट्रेस स्कैनिंग लाइन्स दोबारा ऊपर चले जाएंगे टॉप पोजिशन पे, देन वो इवन वाली लाइन्स को स्कैन करेगा। सो रिमेनिंग इवन नंबर की जो लाइन्स है वो स्कैन हो जाएंगी सेकेंड फील्ड में। इस प्रोसेस को हम इंटरलेस स्कैनिंग बोलते हैं। अब हमने ये प्रोसेस क्यों स्टार्ट किया था, पहले जितना भी प्रोसेस हमने पढ़ा है दैट वॉज अ प्रोग्रेसिव स्कैनिंग। अब वो प्रोग्रेसिव स्कैनिंग में फ्लिकर की प्रॉब्लम आ रही थी क्योंकि वो 25 फ्रेम्स थे, तो उसमें प्रॉब्लम आ रही थी कि हमें स्क्रीन जो है वो ब्लैंक नजर आने लग जाती है, तो उसको रिमूव करने के लिए हमने इंटरलेस स्कैनिंग को यूज किया। अभी मैंने आपको बताया था कि स्कैनिंग दो तरह की थी, प्रोग्रेसिव और इंटरलेस। पहले अभी तक जो हमने पढ़ी है दैट वॉज ऑल अबाउट द प्रोग्रेसिव स्कैनिंग। तो इंटरलेस स्कैनिंग में हमने क्या किया है, फ्लिकर को रिमूव करने की कोशिश करी। वो कैसे, हमने एक फ्रेम को दो फील्ड्स में डिवाइड कर दिया, ऑड फील्ड और इवन फील्ड। अब हमारे टीवी सिस्टम में 625 लाइंस होती हैं, तो 625 लाइंस जब हम पूरी स्कैन करते थे एक फ्रेम में वो प्रोग्रेसिव स्कैनिंग थी। इसमें हमने 625 लाइंस को ईच फ्रेम को दो सेट्स में डिवाइड कर दिया, यानी कि 312.5 लाइंस एक में और 312.5 लाइंस दूसरे सेट में, मतलब ऑड सेट और इवन सेट। सो हेंस इंटरलेस स्कैनिंग में क्या हुआ, हमारा फ्लिकर जो है वो एलिमिनेट हो गया। हमने स्कैनिंग की स्पीड को इंक्रीज नहीं किया, ना ही उसकी बैंडविड्थ को इंक्रीज किया, हमने क्या किया सिर्फ फ्रेम्स को डिवाइड कर दिया ऑड और इवन में, जिससे कि वो 25 फ्रेम्स जब एक साइड पे स्कैन होते थे उसकी जगह अब वो 50 फ्रेम्स एक सेकेंड में स्कैन करेगा, जिससे कि हमारी फ्लिकर की प्रॉब्लम जो है वो इलिमिनेट हो गई। उसके बाद आती है हमारी हॉरिजॉन्टल स्कैनिंग फ्रीक्वेंसी। अब जब वो हॉरिजॉन्टल स्कैन कर रहा है तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, और जब वो वर्टिकली स्कैन कर रहा है तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है। जब हमारी इलेक्ट्रॉन बीम मूव कर रही है लेफ्ट से राइट तक, तो वो हॉरिजॉन्टल स्कैनिंग हो रही है, मतलब जब स्टार्ट कर रहे हैं हम न्यू लाइन को और उसको स्कैन कर रहे हैं एंड तक, तो वो हॉरिजॉन्टल स्कैनिंग हो रही है। अब हॉरिजॉन्टल स्कैनिंग में हमारे 25 फ्रेम्स एक सेकंड के अंदर स्कैन हो रहे थे, तो इसका मतलब जब हमने हॉरिजॉन्टल फ्रिक्वेंसी निकालनी है दैट वुड बी 625 मल्टीप्लाई बाई 25, दैट वुड बी इक्वल टू 15625 हर्ट्ज। 25 हमारे फ्रेम्स थे, 625 लाइन्स थी, तो 15625 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी जो है ये हमारी हॉरिजॉन्टल स्कैनिंग फ्रीक्वेंसी है। और जब हम टाइम की बात करते हैं तो इसको हम रेसिप्रोकेट कर देंगे, दैट वुड बी 0.064 मिलीसेकंड। 0.0464 मिलीसेकंड लगा रहा है वो एक फ्रेम को स्कैन होने के लिए, और रादर एक लाइन को स्कैन होने में वो 0.064 मिलीसेकंड ले रहा है। और वर्टिकल स्कैनिंग फ्रीक्वेंसी में क्या हो रहा है, हमने 50 फील्ड्स बना दी ऑड और इवन के साथ, 50 फील्ड्स बना दी, तो एक फ्रेम में हमारे पास 50 फील्ड्स हो गई, हाफ 25 ऑड की और 25 इवन की, जिससे हमारी वर्टिकल फ्रीक्वेंसी कितनी बन जाती है 20 मिलीसेकंड। 1 डिवाइडेड बाय 50 दैट विल बी 20 मिलीसेकंड। सो 20 मिलीसेकंड हमारी वर्टिकल स्कैनिंग फ्रीक्वेंसी है, और 625 इंटू 25 दैट इज 15625 हर्ट्ज जो है ये हमारी हॉरिजॉन्टल फ्रीक्वेंसी है। और ये आप सबको पता होनी चाहिए, अगर आपको नहीं पता होगी तो इसमें प्रॉब्लम आएगी क्योंकि एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है। तो वर्टिकल स्कैनिंग फ्रीक्वेंसी कितनी है हमारी, 50 हर्ट्ज, और उसका टाइम कितना है 20 मिलीसेकंड या 15625 हर्ट्ज, और टाइम है 0.0 मिलीसेकंड। आई होप आपको ये स्कैनिंग का पूरा कंसेप्ट क्लियर है। पहले जब हम ये बात करते थे
इसको बिना डिवाइड किए सीधा जो पूरा फ्रेम स्कैन हो रहा था, ये हमारी प्रोग्रेसिव स्कैनिंग की बात हो रही थी। जब हमने उसको ऑड और इवन में डिवाइड कर दिया, दैट इज इंटरलेस स्कैनिंग। आई होप आपको ये पूरा कंसेप्ट क्लियर है। अगर इसमें कहीं पे भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो हम लाइव सेशन में इसको डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।